आज तो बात हो 90 के दशक के बॉलीवुड सुपरस्टार की और अभिनेता गोविंदा का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार इन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में देकर खुद को सुपरस्टार का टैग जो दे दिया था। अभी तो इनकी हर एक फिल्म को देखना दर्शक आज भी बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, जिनमें एक नाम इनकी पत्नी सुनीता आहूजा का भी शुमार है, जो कि अपने पति की कई फिल्मों को रिपीट करके भी देख लिया करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि अपने पति की फिल्मों को रिपीट करके देखने वाली सुनीता आहूजा गोविंदा की 4 फिल्मों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जी हां, सुनीता आहूजा को गोविंदा की 4 फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको गोविंदा की उन्ही 4 फिल्मों से रूबरू कराने वाले है, जिन्हें ना पसंद करती है इनकी पत्नी। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गोविंदा की उन्हीं 4 फिल्मों के बारे में, जिन्हें ना पसंद करती है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा। नंबर 1, शोला और शबनम। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम आता है फिल्म शोला और शबनम का, जो साल 1992 में रिलीज की गई थी और इनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और इस फिल्म को इनकी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म में गोविंदा गुंडों से काफी लड़ाई झगड़ा करते हैं और गुंडों से मार खा कर ही खून से लथपथ हो जाते हैं, और उनकी पत्नी नहीं चाहती कि इनके पति किसी से लड़ाई झगड़ा करे और उनके पति को खून से लथपथ नहीं देख सकती। यही वजह है कि इनकी फिल्म शोला और शबनम को भी देखना इनकी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। नंबर 2, आग। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम आता है साल 1994 में आई फिल्म आग का, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में गोविंदा की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कमाई भी की थी। और इस फिल्म में गोविंदा सोनाली बेंद्रे के काफी करीब भी थे और उनके साथ डांस भी करते हुए नजर आए थे, और उनकी पत्नी को ये फिल्म इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके पति किसी दूसरे के करीब जाए और किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करे। इनकी पत्नी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है। नंबर 3, साजन चले ससुराल। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम आता है साजन चले ससुराल फिल्म का, जो साल 1996 में आई थी और इस फिल्म में इन्होंने श्याम सुंदर के किरदार को निभाया था। पर इस फिल्म में इनके चोटी वाला लुक इनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। साथ ही फिल्म में उन्होंने 2 शादी की थी, यही वजह है कि इनकी पत्नी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है। ये नहीं चाहती कि इनके पति 2 शादी करे और इनके पति की चोटी में दिखाई दे, वो तो सिर्फ अपने पति को हैंडसम लुक में ही देखना पसंद करती है। नंबर 4, अलबेला। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम आता है साल 2001 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म अलबेला का, जिसमें इन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया था और इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को काफी अच्छे से पर्दे पर पेश किया था, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। यही वजह है कि इनकी पत्नी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनके पति की कोई भी फिल्म फ्लॉप साबित हो। दोस्तों, आपको इनमें से गोविंदा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।